नागी को दे दो, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ दे छोड़ दे नागी। और ये जो चाय है साइड में जो दिख रही है, ये बनाई है भैया ने? मैंने नहीं बनाई, काली कलौटी। काली कलौटी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कुकरेती व्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी जो चल रहे हैं व्लॉग्स वो मेरे मायके व्लॉग्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हूँ अपने मायके में और एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए तो मैं यहाँ रहूंगी। तो अभी हो गई है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे दिन काट रहे हैं और क्या क्या करते हैं हम पूरे दिन। जैसा कि वैदिक उठ चुका है, तो अभी दिखाती हूँ वैदिक क्या कर रहा है मॉर्निंग में, जो कि उसका डेली शेड्यूल बन चुका है। आज मुझे यहाँ पे मायके में 6th डे है, तो वैदिक का डेली का यही शेड्यूल है। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं क्या कर रहा है बाहर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वो बैठा है वैदिक, और वैदिक बैठा है आंटी जी के साथ, यानी जो हमारी पड़ोस की आंटी है उनके साथ बैठा है, छोटी नानी के साथ। हाँ, छोटी नानी। अच्छा 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 अच्छा, आपके आपके हिसाब से छोटी नानी है। वैदिक वैदिक भूल गया मुझे यहाँ पे आके और लगा मस्ती में अपने। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो आज वैसे भी देखो जो सूरज है बिल्कुल दबा दबा सा निकला है, लग गया ये। है? हाँ, है खाने के बाद हमें, जैसे कि बस हमने खाए नहीं होगा इतने। ये तो मतलब वैदिक जो है पूरा फैमिलियर रहता है पड़ोसी पड़ोसियों के साथ, यहाँ सबके साथ। और ये जो ये आंटी का घर है बिल्कुल हमारे घर के सामने है, हमारा घर ये आंटी जी का घर। देखो नानी का काम बस स्वेटर सिलने का, बुनने का। कह रहे एक हफ्ते से तेरे बेटे ने कुछ नहीं करने दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पड़ोस में आंटी जी रहते हैं, जिन्होंने वैदिक को फर्स्ट टाइम आज पहली बार देखा ना आंटी जी आपने। हाँ, पिछली बार तो ना लॉकडाउन कोरोना, हाँ कोई भी नहीं आया गली में, सब कहते हमने वैदिक को नहीं देखा। भाई तो ये वही आंटी जी है जो हमें बहुत सारा वो कड़ी पत्ता भर के दे देती है। और हमारे वैदिक पैछा मिल गया देखो, देख कह रहा हाँ मिल गया पैछा, बहुत चला के तो जल्दी से पैछा पकड़ लेता है। देख रहे हो, देखो कैसे देख रहा है। हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो, पैसा ढूंढ रहा हो अपने। बाबा भी ऐसे पकड़ता है। हाँ, आंटी जी से बात कर रहा है। ऐ तो मतलब यहाँ वैदिक सबको ही जान गया लगभग। और अभी यहाँ पे आया फेरी वाला, तो उनसे हम ले रहे कपड़े। ये सूट तो मैं ले चुकी हूँ। सो गाइज, इस तरीके से चल रहा है कुछ एंजॉयमेंट। तो देखा होगा मॉर्निंग में वैदिक पड़ोसियों के साथ था, फिर थोड़ी देर बाद मतलब ऐसी इधर उधर एक आंटी जी वगैरह जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं वो लोग वैदिक को कुछ देके गए हैं। तो अभी वैदिक ने ड्रेस पहन ली है, और जो कि उसकी नानी जी ने ही बुन के दिए उसको। तो वैसे नानी जी ने काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रेस दी है, बस एक दो है जो अभी फिट भी आ रही है। तो अभी देखो मस्ती उसके भी, मामा जी के कंधे में बैठ गया और चिल्ला रहा है ए ए। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं बैक कैमरे से। तो बस वैदिक इस तरीके से कुछ कंधे की सवारी कर रहा है मामा की। है वैदिक वैदिक मजा आ रहा है। ए, ये देखो ऐसे डांट रहा सबको। ए वैदिक मजा आ रहा है, ये देखो हंसी देखो वैदिक की मजा। नोजी भी भरी है, इसको जुकाम लग रहा है पूरा। मेरे बाल में चिपचिपे कर रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए तेरा शैम्पू। ये देख रहा है अभी, दादाजी घुमाएंगे इसको कंधे पे अब। हाँ अब दादा का कंधा तोड़ लिया, दादाजी ने बहुत आराम कर लिया अब दादी के। अब तो हो गया पांचवी पास, पांचवी पास करके भेज रहे हैं इसको। देखो नानी को तो डांटते ही रहता है। ए ए देखो फिर देखो मुख मावा में। तो वैदिक ने आज फिर से पहन ली है स्वेटर अपनी नानी के हाथ की बनाई हुई, है ना। और आज हरा हरा तोता लग रहा है। क्या हुआ वैदिक, नहीं उठ रही तुझसे? नहीं उठ रही नहीं उठ रही तुझसे? आज वैदिक पूरा पैक हो रखा है, ऐसा लग रहा है ऐसा शिमला विमला चला गया होगा। कहाँ रहा है, कहाँ रहा, उठा ले उठा ले। वैदिक को टोपी का ध्यान नहीं आया ना, हाँ नहीं तो टोपी उतार के फेंक देता, टोपी उठा उतार के फेंक देता। ये तो सही बोल रहे हो, सर्दियों में यार देखो मम्मी ये देखो, ये देखो ये देखो ओ तोता। तो ये देखो पूरा पूरा सेट सिलावा है नानी ने ऊपर का। ये हुडी हुडी है ना, ये हुडी वाला डिजाइन है। और अभी हुडी तो है लेकिन खींच खांच के कर देगा हुडी पुड्डी सब। ये देखो याद आ गया उसको, ये देखो।
नहीं खींचते वैदिक, नो नो वैदिक नो, ये अच्छा अच्छा उतर गई उतर, आप खुश हो गए टोपी उतार के। चल चल चल, मैं तुता हरे रंग का हूँ दिखता, फल सब्जियाँ दाना खाता, मिठू मिठू मैं कहता। कौन सा फल खा रहा है वैदिक को आज ना सिंगाड़ा मिला है, किसका? छठ पूजा का, तो हाँ वो खा रहा वैदिक। बैठ के खाते है बच्चे, ऐसे नहीं खाते। तो गाइस आज हमने बनाया है पोहा, अंजलि ने काफी मशक्कत करी है उसमें। पोहा क्या कुछ डाला है अंजलि ने, ये देखिए क्या कुछ डाला है, देखिए ये देखिए। और जो नहीं दिख रहा वो भैया से पूछे क्या कुछ डाला है भैया ने इसमें, है ना? तो हाँ, मैंने इसमें इसने जो मिर्चे वगैरह और क्या डलवाया, मूंगफली, तो पोहे में डाली है मूंगफली जो कि भैया ने छीनी है, वो वाली जो मूंगफली होती है ना, जो छिलके पे डालनी होती है, वो वाली छिलके पे डालनी होती है। हाँ, वो भी डाली है, प्लस वो कच्ची वाली मूंगफली होती है उनको भी भून के हमने डाला है। तो अभी हम खा रहे हैं पोहा और उसके बाद बनेगा आज एग करी। और ये जो चाय है साइड में जो दिख रही है, ये बनाई है भैया ने? मैंने नहीं बनाई, काली कलौटी ये भैया ने बनाई है। इतनी खिट गई है इतना पोहा, तीन बार बन जाता है चाय, तीन बार बन जाती पोहे के साथ रखी थी। सो गाइस बन गया है पोहा, तो हम खा रहे पोहा और हमारे साथ वैदिक भी खाएगा पोहा। वैदिक का मुंह देखो, हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो इसकी तारीफ में हम ये बोलना चाहेंगे अति सुंदर। सुंदर तो देखने में होता भैया, अति सुंदर आगे हिंदी के फेल हो गए, हिंदी के ना ये इनको प्रायवाची नहीं पता, अति सुंदर फिर उसके बाद आगे आएंगे वो। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, स्वादिष्ट, हे देवी तुमने देवी बोला जाएगा ना भाई, हे देवी तुमने ये जो भोजन में अपने हस्त कमलों से जो निर्माण किया है उसकी महिमा कोई गाथा पूरे चार लोकों में गूंजेगी। ये तो देख भूल गया, इसको पढ़ोगी चार लोकों में गूंजेगी, तीनों लोकों में यार मुझे लगा चार लोकों में, एक एक्स्ट्रा बना रखा है। अति सुंदर, कॉपी करिए, उत्तम, कॉपी करिए, कॉपी फिर उत्तम, स्वादिष्ट। मैं तो वीडियोग्राफर में सबसे लास्ट में खाऊंगा, और मैं थोड़ा टेस्ट किया था, अच्छा बना हुआ है। फाइनली सब्जी ले आए हैं, ये टमाटर जो मतलब भैया ले रहे हो, 8 बजे 6:30 में भैया को घर से ले जाता है, और मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी कोई बात नहीं अभी बहुत टाइम, मम्मी कहते नहीं भैया टाइम लगाते हैं जाने दे, 6:30 से 8 बजे 8 बज गए अब भैया टमाटर लेके आए हैं। तो अब इनको एक रीजन भी बताना पड़ेगा कि रीजन क्या था, क्योंकि इसको पता नहीं है कि हमारे यहाँ बुध बाजार कहाँ लगता है, मेरे को भेज दिया यहाँ पीछे खाली, मैंने कहा यार क्या हो गया। तो मैडम इसका कलर फैब्रिक और डिजाइन देखिए कितने बढ़िया लेके आया। अच्छा, तो वैदिक के लिए पैजामे भी लेके आ गए फाइनली। तो वहाँ एक कोइंसिडेंस, वैदिक इसको मुझे लग रहा है अगली सर्दी में पहन पाएगा, तो बहुत बड़े भैया। तो मेरे को कहा ना इससे बड़ी भाई, आपको भी बताना चाहूंगा सर्दियों का जो होता है ना, नहीं, नहीं, जो चीज आप लेना चाहो उसका आउटर बड़ा लगता है, पर जो इनसाइड होती है वो कम होती है, क्योंकि ये भोलन होते हैं, देखिए कितने मोटे मोटे होते हैं, इनका इनर बहुत कम होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो सब्जी लेने में भैया को टाइम क्यों लगा, भैया को इनर आउटर सब पता है, हमें नहीं पता लेडीजों के, लेकिन भैया को सब पता है कितना इसे ओडी आईडी बोल सकते हैं, ओडी आउटर डाया, इनर डाया, आईडी इनर डाया, मैकेनिकल लाइन यूज करते हैं वो, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ये थोड़ी ना, ये हमारी बहन है, ये थोड़ी खर्चीली है, जब मैंने इसे बोला ना 150 का है तो कह रहे की हाँ ले आओ, बाकी मुझे भी लगा 150 के है, तो मैंने जब उसे 500 का नोट दिया तो उसने मेरे को 400 रुपए वापस किए, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, तो बोला कि भाई कह रहा कि अभी दे रहा हूँ भाई दे रहा हूँ, मैंने कहा क्या दे रहे हो भाई, मैंने कहा आपने ज्यादा दे दिए, तो बोला भाई 80 रुपए का है 2 150 के है, तो मैंने कहा 2 150 के, मैंने कहा फिर तो 2 दे दे। अंजलि बोल तो रही थी, अंजलि बोल तो रही थी 75 का मैंने ले रखा पैजामा, मैं मोटा है थोड़ा, मैं पानी पत्ते अपनी गुड़िया के लेने गया था, सेम यही क्वालिटी 150 का एक था। चलो दिखाओ, सेम 150 का एक था वो वहाँ पे, तो इसीलिए फिर मैंने अपनी गुड़िया के लिए भी ले लिए। हाँ नहीं बहुत अच्छे हैं उसका, ये तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो लेके आया मैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, देखिए कितने बढ़िया हैं, अच्छे हैं बहुत, आप कितने हैवी देखो, कितने हैवी, इतने अच्छे हैं। तो दोस्तों लोकल बाजार जाने का ये फायदा हो जाता है,
कि जब मैं सस्ते में अच्छी चीज भी मिल जाती है, मॉल वॉल में थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ पे मॉल तो यही अगर विशाल वगैरह में होते तो ये 250-200 का एक होता था। तो वैदिक जो है अपना यहाँ पर दाल खा रहा है, दाल खा रहा है, मूंग की दाल खा रहा है, दाल उबली हुई टेस्टी लग रही है वैदिक, पर एक मामा को देखकर डर रहा है वो। तो ये जो टमाटर है मंगाए गए थे, तो आज बन रही है एग करी। तो आप सोच रहे होंगे तो कमी दिख रहे हैं, तो खाने वाले तीन ही है। वैदिक कुत्ते को रोटी दे दो, रात में खाना खा रही बार ना कुत्ते को रोटी देते हैं, ठीक है ठीक है, चलो चलो वो रबड़ डॉगी। अबे मैं बाप बच्चा तेरे खाने डॉगी को, डॉगी को तुझे नहीं खाना, अबे तुझे नहीं खाना, नीचे दे रहा है वो, फेंक दे, डॉगी है इधर आ जाओ आ जाओ, डॉगी को दे, देखो वो खा रहा है, और डॉगी की आंखें कैसे चमक रही है, यहां पे तो ऐसे दे दे, ले फेंक दे, फेंक दे वैदिक, डॉगी को रोटी, ये डॉगी खाएगा रोटी। अब वैदिक की नजर देखो, मेरे हाथ से रोटी छीन कर डॉगी को दे दी, पतला लूंगा मैं।